हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार इस एक साल में जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही आईएमपी है। तो आइए एक एक चीज को पढ़ना है। किसी भी पुरस्कार के बारे में आपको क्या जानना है, तो तीन चीज जानना है। पहला ये जानना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा ये जानना है कि किस विभाग द्वारा दिया जाता है, और तीसरा जानना है कि वर्तमान में वह पुरस्कार किसे मिला है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला पुरस्कार शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा कि वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो विभाग है आदिम जाति कल्याण विभाग। तीसरा जानना है कि यह पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, तो यह दिया गया है रूप राय नेताम सरई टोला धमतरी वाले को दिया गया है। तो शहीद वीर नारायण में तीन चीज आपको जानना है। पहला किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान। किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग। 2020 में किसे दिया गया है, तो रूप राय नेताम सरई टोला धमतरी वाले को। ठीक, दूसरा गुंडाधुर पुरस्कार। तो ये गुंडाधुर पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो विभाग है खेल एवं युवा कल्याण विभाग। 2020 में किसे दिया गया है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है आकर्षि कश्यप। कौन से खेल खेलती है, बैडमिंटन, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की है। ठीक, तीसरा पुरस्कार यति यतनलाल सम्मान। तो यति यतनलाल सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। यति यतनलाल सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अहिंसा एवं गौ रक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग। और 2020 में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है बढ़ते कदम रायपुर को। ये संस्थान है बढ़ते कदम रायपुर। यह पुरस्कार वर्तमान समय में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन अभी गौ सेवा के लिए या गौ रक्षा के लिए बहुत सारी योजना लाई है, गौठान योजना। तो इसलिए आपको याद रखना है बढ़ते कदम रायपुर को 2020 का यति यतनलाल सम्मान दिया गया है। ठीक, फिर जानना है आपको ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। तो ये दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है, और प्राप्तकर्ता है बैजनाथ चंद्राकर कवर्धा। कौन है, बैजनाथ चंद्राकर कवर्धा। मिनी माता सम्मान। तो ये मिनी माता छत्तीसगढ़ की महिला सांसद थी। ठीक, तो ये दिया जाता है, मिनी माता महिला है, तो महिला उत्थान के क्षेत्र में। अब महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाएगा तो किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा, तो विभाग है महिला एवं बाल विकास। 2020 में किसे दिया गया है, तो सहाना कुरैसी दुर्ग को दिया गया है। ठीक, फिर जानना है हाजी हसन अली सम्मान। तो हाजी हसन अली सम्मान दिया जाता है उर्दू भाषा की सेवा के लिए। किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग। और 2020 में दिया गया है हनीफ नजमी धमतरी। फिर जानना है आपको महाराजा प्रवीण चंद भजदेव सम्मान। तो ये प्रवीण चंद भजदेव सम्मान दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। अभी खेल से जुड़ा है तो विभाग भी क्या हो जाएगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। और 2020 में मिला है सर्वज्ञ सिंह मरकाम बिलासपुर वाले को। ठीक, फिर जानना है पंडित रवि शंकर शुक्ल सम्मान। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। किस विभाग द्वारा दिया जाता है,
तो ये दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है, और 2020 में मिला है आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र, इसको दिया गया है आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र को दिया गया है, जो कि रायपुर के हैं। दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान, दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान, तो ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में एवं शिल्प कला के क्षेत्र में। ठीक, अब लोक कला तो ये विभाग हो जाएगा संस्कृति विभाग, कौन सा विभाग जी, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाएगा। ठीक, और 2020 में दिया गया है शिव कुमार, शिव कुमार जिसको दीपक के नाम से भी जानते हैं, दुर्गा एवं रूप साय सलाम नारायणपुर, तो ये लोक कला वाला पुरस्कार दो व्यक्ति को दिया गया है, तो शिव कुमार दुर्गा को और दूसरा रूप साय सलाम नारायणपुर, तो संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है। राजा चक्रधर सिंह सम्मान, ये दिया जाता है संगीत एवं कला के क्षेत्र में, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, और 2020 में मिला है भारती बंधु रायपुर को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता है प्रत्येक वर्ष, तो चक्रधर समारोह किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत एवं कला के क्षेत्र में। किस विभाग द्वारा दिया जाता है, संस्कृति विभाग, और 2020 में मिला है भारतीय बंधु रायपुर को। पंडित सुंदर लाल शर्मा पुरस्कार, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और विभाग कौन सा है, तो संस्कृति विभाग, और 2020 में ये भी दो व्यक्ति को संयुक्त रूप से मिला है, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी एवं जीवननाथ मिश्र को दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार इम्पोर्टेंट है ना, ये वर्तमान सरकार कृषि पर कुछ ध्यान दे रही है, ठीक, किसानों को बोनस दे रही है। ठीक, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, और कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है, और 2020 में मिला है इनेश्वर वर्मा राजनांदगांव वाले को दिया गया है। महाराजा अग्रसेन सम्मान, तो ये दिया जाता है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए, और ये दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, और 2020 में मिला है राम अवतार अग्रवाल बिलासपुर वाले को दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, तो इसको आपको याद रखना है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दो क्षेत्र याद रख, एक तो प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में मिला है ब्रह्मवीर सिंह को, प्रिंट मीडिया में किसे मिला गया है, ब्रह्मवीर सिंह को, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला है सुश्री ममता लाजेवार, और किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो ये जनसंपर्क विभाग द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, ये दिया जाता है आदिवासी सेवा उत्थान के क्षेत्र में, विभाग कौन सा है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग, और 2020 में ये भी एक संस्था को मिला है शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान धमतरी को, याद रखोगे शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान धमतरी को दिया गया है। फिर आपको जानना है बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार, तो बिलासाबाई केवटिन मत्स्य नाम से ही किस क्षेत्र में जी, मछली पालन के क्षेत्र में, किस विभाग द्वारा, मत्स्य विभाग द्वारा, और 2020 में मिला है गौरव सलूजा रायगढ़, किसको मिला है, गौरव सलूजा रायगढ़ को मिला है। धन्वंतरी सम्मान, तो ये दिया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा शोध एवं अनुसंधान में। अब ये धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित है, तो विभाग क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग, और 2020 में मिला है डॉक्टर गौतम चंद्र जैन को दिया गया है। ठीक, फिर जानना है पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान, तो ये दिया जाता है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले को, यह दिया जाता है गृह विभाग के द्वारा दिया जाता है, पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है, और 2020 में दिया गया है श्रीमती दिव्या शर्मा रायपुर को दिया गया है। तो दिव्या शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है, लखन लाल मिश्र सम्मान। बैरिस्टर
छेदी लाल सम्मान तो ये दिया जाए तो बैरिस्टर है, तो क्षेत्र क्या हो जाए विधि क्षेत्र, विभाग क्या हो जाएगा विधि विधायी विभाग। और 2020 में दो व्यक्ति को मिला है, एक तो निर्मल शुक्ला, याद रखोगे निर्मल शुक्ला, और दूसरा विनोद चावड़ा, विनोद चावड़ा। फिर आपको जानना है बिसाहू दास महंत सम्मान, तो ये दिया जाता है बुनकर के क्षेत्र में, विभाग ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। और 2000 अभी चार लोगों को दिया गया है, दो व्यक्तियों को 2016-17 के लिए दिया गया है और दो व्यक्तियों को 2017-18 के लिए। तो 16-17 के लिए मिला गया है राजेश देवांगन जांजगीर चांपा 2016-17 के लिए, और एक और व्यक्ति मधुसूदन देवांगन जांजगीर चांपा 2016-17 के लिए। ठीक, और जानना है राजेश देवांगन रायगढ़ को 17-18 के लिए, और वीरेन देवांगन को भी 2017-18 के लिए। तो विसाहूदास सम्मान बुनकर के क्षेत्र में दिया गया है, और जितने भी मिला है सबको क्या मिला है वो देवांगन काष्ठक के हैं, ऐसा याद रखोगे। ठीक, संस्कृत भाषा सम्मान क्षेत्र संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, विभाग भी उच्च शिक्षा विभाग, और 2020 में मिला है डॉक्टर कुमुंत कान्हे रायपुर को दिया गया है। और रचनात्मक सम्मान, तो ये क्षेत्र भी क्या है इसका, रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा, कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है तो जनसंपर्क विभाग द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है तो राजेंद्र थोपड़कर, कौन है राजेंद्र थोपड़कर। महाराज रामानुज सिंह देव सम्मान, तो ये दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में, अब विभाग भी क्या हो जाएगा श्रम विभाग। और 2020 में मिला है ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भाटापारा बलौदा बाजार की यूनिट को, और दूसरा हरित मित्तल रायगढ़ को। और एक और पुरस्कार याद रखना है राज राजेश्वरी कड़ुआ माता सम्मान। ठीक, तो ये हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, विभाग ग्रामोद्योग विभाग। प्राप्त करता है कृष्ण कुमार देवांगन बलौदा बाजार और मनहरण देवांगन जांजगीर चांपा। तो इसको आपको लिख के रखना है, एक साल में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये आएगा ना। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना के रख लीजिए। ठीक, थैंक यू, गुड लक।